कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त एंड मैथ गुरु राजेश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ वेलोसिटी क्लासेस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 स्टार्ट कर दिया था। कौन सा चैप्टर का? चैप्टर 2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है फॉर क्लास 10th, दैट इज पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कुछ केसेस देखे थे कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलीनोमियल्स को हमने एक डायग्राम के फॉर्म में समझा था कि यदि हमारे पास कोई फॉर्मूला है, फॉर एन एग्जाम्पल ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो उसको हमने क्या फॉर्मूला तो लिखा ही था, बट उसके साथ हमने क्या किया था, उसके साथ हमने उसको पूरा प्रॉपर विजुअलाइज किया था। सो दिस एंटायर टॉपिक वॉज कवर्ड ऑन आवर प्रीवियस मॉड्यूल। सो आई होप कि आप लोगों ने वो मॉड्यूल देखा होगा और आपको उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल में, तो उसमें हम देखने वाले हैं दैट व्हाट इज पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पॉलीनोमियल, क्यों हमें, व्हाट इज द नीड ऑफ द पॉलीनोमियल टू स्टडी फॉर द पॉलीनोमियल, सॉरी व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलीनोमियल्स, क्या जरूरत है पॉलीनोमियल्स पढ़ने की, ये सारा चीज आज हम देखने वाले हैं पॉलीनोमियल्स में देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलीनोमियल, फिर हमारा आएगा हाउ टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलीनोमियल, ये सारा चीज हम देखने वाले हैं। पर जो हमारा आज का मॉड्यूल होगा, दैट इज व्हाट इज पॉलीनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलीनोमियल, तो ये सारा चीज हम देखने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। So, as we discussed, what is our today's topic? We are just continuing the introduction of polynomials. Already, जो हमने previous module में देखा था कि polynomials के base पे हमने क्या देखे थे? 3 formulas देखे थे, और आज हम basic start करने वाले हैं polynomials. So, polynomials क्या होते हैं? Polynomials में यदि मैं कोई example लेता हूँ, यदि मैं कोई equation लेता हूँ, okay? Suppose, I am just assuming an equation, example, I'm just assuming 4x cube minus 3x square plus 2x minus 4. So, मैंने यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये एक polynomial है. Already हमने previous में देखा है कि the number polynomials क्या होते हैं, where we are getting the numbers variable and exponents are come together. क्या मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, the numbers, मतलब जहाँ पे polynomials क्या होते हैं, where, यहाँ पे the नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं where है ना, so that क्या है यहाँ पे, where numbers, variables and exponents are come together and forms a various operation, यहाँ पे अभी हम example वाला term हटा देते हैं, इसके बाद हम इसको एग्जांपल वाला टर्म कवर कर लेंगे, ठीक है, फॉर्म्स अ वेरियस ऑपरेशन सच दैट एडिशन सब्सट्रैक्शन, है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना, एंड डिवीजन, मतलब जहाँ पे नंबर्स, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स, दिस ऑल आर कम टुगेदर एंड फॉर्म्स एन वेरियस ऑपरेशन सच दैट एन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना, ये चारों ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, एंड ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि पॉलीनोमियल्स जिसमें हमारे वेरिएबल्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं और
एक्सपोनेंट्स भी आते हैं, और ये सारा चीज़ जब एक ही जगह पे मिले, मीन्स सारा जब साथ में आए तो वो हमारा क्या होता है, पॉलीनोमियल्स होता है, जिसमें हम वेरियस ऑपरेशन के फॉर्म में देखते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और यदि मैं उसको इक्वेट कर दूँ विथ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, दैट बिकम्स एन इक्वेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यदि एग्जाम्पल में मैंने लिया 4x³ - 3x² + 2x - 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम वन बाय वन सभी को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जब हम वन बाय वन सभी को कंसिडर कर रहे हैं, तो मैंने अभी एज्यूम किया 4x³ को। सो यहाँ पे 4 जो है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है नथिंग बट नंबर। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। फिर उसके बाद जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका एक्स रिप्रेजेंट कर, जस्ट अ सेकेंड, जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है दैट रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, एंड जो पावर 3 दिख रहा है आपको दैट रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इट रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट्स। सो इसको मैं कंपेयर करता हूँ अपने इंग्लिश से, इंग्लिश सब्जेक्ट ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब मैं इन सभी चीज़ों को कंपेयर करता हूँ, मीन्स पॉलीनोमियल को मैं कंपेयर करता हूँ इंग्लिश से, कंपेयरिंग विथ इंग्लिश, ओके, विथ इंग्लिश। तो जब मैंने उसको इंग्लिश से कंपेयर किया, फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, माय नेम इज राजेश, ओके, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, माय नेम इज राजेश। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ क्या, माय नेम इज राजेश, ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, माय नेम इज राजेश। तो यहाँ पे आप माय के बाद एक क्या देख रहे हैं, एक पॉज आ रहा है, मीन्स एक स्पेस आता है, फिर उसके बाद नेम के बाद फिर एक स्पेस आता है, एंड जो इज के बाद एक स्पेस आता है, है ना। ये तीनों टर्म्स के बाद हमें एक स्पेस यूज करना पड़ता है, देन ओनली वी कैन प्रोनंशिएट वेरी वेल लाइक माय नेम इज राजेश। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, स्पेस यूज़ किया। तो अब जब हम स्पेस को यदि मैथमेटिक्स से कंपेयर करते हैं, कि जब हम स्पेस को कंपेयरिंग इंग्लिश विथ मैथ्स, मैंने क्या किया, मैथ्स को कंपेयर किया इंग्लिश के साथ। तो जहाँ पे हम स्पेस यूज़ करते हैं, हम स्पेस किस में यूज़ करते हैं, हम स्पेस इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम स्पेस इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो अब मैथमेटिक्स में हमने क्या किया, उसको कंपेयर करना है। सो मैथमेटिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो प्लस एंड माइनस, ये जो दो फॉर्म क्रिएट होंगे, ये आपका कैसे हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स में जब हम दो टर्म्स जब लिखते हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, दैट इज 4x³ - हमने लिखा हुआ है। सो 4x³ - जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एन स्पेस, है ना। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस। इंग्लिश में हम स्पेस यूज़ करते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए, और जो हम प्लस एंड माइनस का यूज़ करते हैं, वो होता है स्पेस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। सो हमने कंपेयर किया मैथ से, तो हमें प्लस एंड माइनस साइन के फॉर्म में मिला, स्पेस हमें प्लस एंड माइनस साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और जो हमारा दूसरा टर्म है, स्पेस हो गया। अब उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है माय, तो जो मैंने माय लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जो मैंने यहाँ पे माय लिखा है, दैट इज़ वॉट, इट इज़ नथिंग बट वर्ड्स। ये हमारा क्या है, एक वर्ड्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमने इसमें यूज़ किया, कि जब मैंने माय नेम इज़ लिखा, तो हमने यूज़ किया वर्ड्स, किस में यूज़ किया हमने, इंग्लिश में। सो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं आइदर 4x³ या 3x² या कोई सा भी 2x, इस फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है मैथ्स। सो जो ये प्लस एंड माइनस साइन इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट साइन, है ना, वो क्या इंडिकेट करता है, साइन इंडिकेट करता है कि ये दोनों के बीच प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, इन दोनों वैल्यू के बीच माइनस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो ऐसा हम वहाँ पे
प्लस माइनस करते हैं. सिमिलरली इंग्लिश में हम स्पेस यूज़ करते हैं. और जब हमने वर्ड्स को कन्वर्ट किया मैथ में, तो ये इसको हम मैथ्स में हम क्या करते हैं, सॉरी इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड्स, एंड मैथ्स में हम क्या यूज़ करते हैं, इसे हम बोलते हैं टर्म्स. ठीक है, दिस और का दिस आर कॉल्ड टर्म्स. सो यहाँ पे अब हम प्रीवियस एग्जांपल में आते हैं कि 4x³ में जो हमने लिखा हुआ है, फिर से लिख लेते हैं, नॉट एन प्रॉब्लम. तो हमने जैसे एग्जांपल जो प्रीवियस एग्जांपल है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x-4. सो यहाँ पे अब हम 1 by 1 कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे हमने लिखा 4x³. सो 4x³ क्या है, 4 जो है आपका नंबर्स है, 4 नॉट अ नंबर, इट्स अ नंबर, है ना, इट इज़ अ नंबर. 4 हमारा क्या है, नंबर है. x क्या है आपका, x है आपका वेरिएबल्स, आपका x क्या है वेरिएबल. एंड जो 3 है दैट रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस में कवर किया. अब यहाँ पे हम 4x³ देख रहे हैं. सो जब 4x³ में जब हम 4 × x करेंगे, 4 × x करने पे हमें क्या मिलेगा, 4x. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या था, नंबर था, और जो x था हमारा दैट वॉज एन वेरिएबल, पर जब वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, 4 कन्वर्ट हो जाता है कॉम्पोनेंट में, और x वेरिएबल्स में ही रहता है. तो जब x हमारा वेरिएबल्स में ही रहेगा, तो अब नंबर्स की जगह मैं यूज़ करूँगा नंबर्स और कंपोनेंट. ठीक है, नंबर्स और कंपोनेंट्स. सो नंबर्स और कंपोनेंट आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वेरिएबल्स, अब इस पर कुछ कंडीशंस होती हैं, मीन्स 4 जो कंपोनेंट्स है, x जो है और एक्सपोनेंट है, इस पर क्या कंडीशन होती है, अब ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं एक बार. सो जब हम कंडीशन देखते हैं, सो यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशंस, कंडीशंस फॉर पॉलिनोमियल. ठीक है, ये हमारा बेसिक पार्ट ही चल रहा है, मीन्स जो ऑलरेडी हम क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है. सो कंडीशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, फर्स्ट कंडीशन कि जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट के लिए, ठीक है, सो कंपोनेंट कुड बी एनीथिंग, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कुड बी एनीथिंग, कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है, कंपोनेंट्स कुड बी एनीथिंग, कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है. फॉर एन एग्जांपल हमें यहाँ पे 4 है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ 4 हो. सेकेंड आता है हमारा वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स के लिए जो हमारा कंडीशन होता है, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के लिए जो हमारा कंडीशन होना चाहिए क्या, वेरिएबल्स कुड ऑल्सो बी मोर और सिंगल, मीन्स इट कुड बी मोर, इट कुड बी मोर और सिंगल. ठीक है, या तो सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, या तो मोर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल सिंगल वेरिएबल में x आ गया, y आ गया, और यदि अब मोर वेरिएबल में बोलता हूँ तो एक्स वाई भी आ सकता है, वाई जेड भी आ सकता है, एक्स जेड भी आ सकता है. सो दिस ऑल आर मोर वेरिएबल्स. जो हमारा थर्ड कंडीशन होता है, थर्ड कंडीशन फॉर एक्सपोनेंट. सो एक्सपोनेंट में जो हमारा कंडीशन है दैट एक्सपोनेंट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर. क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट should always be a, should always be a whole number. Exponent आपका हमेशा एक whole number होना चाहिए. ठीक है, exponent यदि आपका 1/2 के form में हो गया, then that will not be a polynomial. Exponent हमेशा आपका एक whole number होना चाहिए. For an example हम यहाँ पे देख रहे हैं 4x^(1/2). So this is not, because x की पावर 1/2 यदि हम रखते हैं, सो x की पावर 1/2 रखने पे हमें क्या मिलेगा, x की पावर 1/2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, रूट एक्स. सो रूट एक्स इज नॉट अन पॉलिनोमियल, रूट एक्स हमारा पॉलिनोमियल में नहीं आता है. ठीक है, सो वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि और आगे हम फर्दर आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं. सो अभी हमारा कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया. अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब पॉलिनोमियल्स को हम देखेंगे किस नंबर्स के लिए, इवन नंबर के लिए,
ऑड नंबर के लिए एंड स्क्वायर नंबर के लिए. सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉलीनोमियल्स फॉर इवन नंबर. अच्छा, पॉलीनोमियल्स इवन नंबर के लिए क्या होगा? पॉलीनोमियल्स जो हमारा इवन नंबर के लिए होगा, फॉर एन एग्जांपल, इवन नंबर या नेचुरल नंबर, नॉट इवन नंबर, इट विल बी एन नेचुरल नंबर. पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर के लिए. सो नेचुरल नंबर के लिए हम देख रहे हैं. सो नेचुरल नंबर के लिए हमारा पॉलीनोमियल क्या होगा? अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं पहले वो लिख लेते हैं. नेचुरल नंबर. अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. डेफिनेशन क्या होती है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. यही डेफिनेशन हमने प्रीवियस में देखा था. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है ना. काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं. फॉर एन एग्जांपल, कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 till infinity. सो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर. सो यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और मैंने इसको बोला convert natural number into variables. अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है. सो जब हमें इसको वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं सो दैट कन्वर्ट नेचुरल नंबर इनटू वेरिएबल्स. सो क्या हो जाएगा? वन को मैंने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एक्स. सेम टू को भी हम कन्वर्ट करेंगे. टू भी हमारा क्या हो जाएगा? टू विल ऑल्सो बी अ किस फॉर्म में हो जाएगा? थ्री हमारा किस फॉर्म में होगा? ये सारा हम एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है. ये फाइव. सो दिस 1, 2, 3, 4, 5 दिस ऑल आर नेचुरल नंबर. और यदि मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स तो वो क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी एक्स. सारी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स. अच्छा, अभी एक्स क्यों हुआ? एक्स होने का कुछ रीज़न है ना. एक्स इसलिए हुआ कि मैंने क्या एज्यूम किया है? लेट अस एज्यूम नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू एक्स. तो नॉट ओनली नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू एक्स. मैंने क्या एज्यूम किया? ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू एक्स. तो यदि आपको नेचुरल नंबर के फॉर्म में, नेचुरल नंबर को वेरिएबल्स के फॉर्म में यदि आपको कन्वर्ट करना होगा तो आप उसको डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं. यहाँ पे एक्स लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 1. यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 2. यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 3. यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 4. एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 5. सो मैंने क्या किया? सारे नेचुरल नंबर को कंपेयर कर दिया एक्स के साथ. अभी हमने देखा फॉर नेचुरल नंबर. अब हम देखते हैं पॉलीनोमियल्स. सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलीनोमियल्स फॉर स्क्वायर नंबर्स. अब स्क्वायर नंबर्स के लिए पॉलीनोमियल क्या होता है करके देखते हैं. स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एन एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है. दिस ऑल आर स्क्वायर नंबर. अब यदि आपको क्या करना है? स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना है, मींस स्क्वायर नंबर को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है. सो सेम हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए आता है सेम 4 के लिए यहाँ पे, देन 9 के लिए, देन उसके बाद हो जाएगा 16 के लिए, देन फाइनली फॉर 25. ओके, सो जो 1 के लिए होगा, सो मैंने क्या एज्यूम किया है? ऑल नेचुरल नंबर ऑलरेडी मैंने एज्यूम करके रखा हुआ है. ये दिस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल. सो ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू एक्स. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स.
फोर भी आपका एक नेचुरल नंबर है, पर मैं फोर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स को यदि एक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक्स की वैल्यू फोर हो जानी चाहिए, बट स्क्वायर नंबर में है, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन उसके बाद एक्स क्यूब, देन एक्स टू द पावर फोर, देन फाइनली एक्स टू द पावर फाइव। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पावर के फॉर्म में हमने लिखा कि एक्स टू द पावर वन हमें कितना मिलेगा, एक्स टू द पावर टू कितना मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमने क्या देखा था, एक्स इज इक्वल्स टू वन, सो वन टू द पावर वन आपको कितना मिलेगा, वन, एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू टू, सो टू टू द पावर टू कितना मिलेगा आपको, फोर। सिमिलरली एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, एक्स इज इक्वल्स टू फोर, ये ऐसा आपका चलता रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे इजी से इजी समझ में आ रहा होगा। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम नंबर्स टू वेरिएबल्स, सो कन्वर्टिंग स्क्वायर नंबर, कन्वर्टिंग स्क्वायर नंबर्स इनटू वेरिएबल्स। मैंने क्या किया, सारे स्क्वायर नंबर्स को वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया, पर मेरा जो एजम्पशन था दैट ऑल नेचुरल नंबर आर इज इक्वल्स टू एक्स, मैंने एज्यूम किया था कि ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, 1, 4, 1, 4, 9, 16, 25, दिस ऑल आर इज नेचुरल नंबर, बट इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर। सो जब मेरा एक्स की वैल्यू टू होगी, सो यदि आपको स्क्वायर नंबर को यदि आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है, सो दैट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट अन स्क्वायर नंबर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। सो आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं दैट आवर थर्ड टॉपिक, नॉट अ थर्ड टॉपिक, दैट विल बी आवर पॉलीनोमियल्स फॉर, पॉलीनोमियल्स फॉर ऑड वैल्यू, ठीक है। किसके लिए देख रहे हैं हम, ऑड वैल्यूज के लिए। सो ऑड वैल्यूज के लिए हमारा पॉलीनोमियल को हम कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, सो इसके पहले हमें एक चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है, तो जो यदि मैं 3 to the power 3 करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, x इज इक्वल्स टू 3, सो यदि मैं 3 to the power 3 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 27, सो दैट शुड बी एक्स स्क्वायर, ओके, एवरी वैल्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, सो ये इट विल ऑल्सो कम इन द स्क्वायर फॉर्म, सो एक्स स्क्वायर, सॉरी लेट मी चेंज द कलर, सो ब्लैक कलर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली एक्स स्क्वायर। सो जब मैं एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा तो 4 मिलेगा, एक्स की वैल्यू 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स की वैल्यू 4 रखूँगा तो 16। सो दिस इज द वे वी डिड सम मिस्टेक, दैट वी ऑल एज्यूम्ड दैट एक्स टू द पावर 3 अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। मैंने क्या किया, वहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग मैंने उसके पावर को लिख दिया था, बट इट वॉज रॉन्ग, ऑलरेडी हमने फिर उसको करेक्ट कर लिया है। सो उसके बाद ऑलरेडी हमने थर्ड कंडीशन देखा था कि ऑड वैल्यूज़ के लिए आपके पॉलीनोमियल्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, दिस ऑल आर योर ऑड नंबर्स। सो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको यदि मैं कन्वर्ट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, इफ़ आई विल कन्वर्ट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, तो उसको किस वे पे लिख सकते हैं, आइए करके देख लेते हैं कि जब मैंने 1 कंसीडर किया, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x+1। हाउ, यदि मैं x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 रखूँ, सो यहाँ पे यदि मैं x इक्वल्स टू 0 रखूँ तो क्या मिलेगा, 2x+1 हमारा इक्वेशन है, सो ये कितना हो जाएगा, 2 × 0+1 विच विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 1। सो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2x+1। सेकंड जो होगा हमारा 2x+3, सिमिलरली 2x+5, देन 2x+7, देन 2x+9 एंड 2x+11, ठीक है। As we already know that what is the even value and odd value. Even value are those numbers which are divisible by 2, and which numbers are not divisible by 2 is called an odd numbers. So already यदि हमारा 2 से divisible होना है, तो हमारे यहाँ पे कौन सा number आएगा, 2x. According to the situation, we will put the value of x like 0, 1, 2, 3, 4,
Like that, we will put the value and we will get an odd numbers. So this is the way to convert odd value into variables. Convert odd numbers into variables. उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं? वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं. सो दिस आर ऑल दैट विल द स्टेटमेंट विल बी सेम फॉर ऑल नंबर्स. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ पॉलीनोमियल्स और दिस इज द वे टू कन्वर्ट द नंबर इनटू द पॉलीनोमियल्स. सो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा. सो हमने किसके किसके लिए देख लिया पॉलीनोमियल्स कन्वर्ट करने के लिए? पॉलीनोमियल्स फॉर ऑड नंबर्स, पॉलीनोमियल फॉर इवन नंबर एंड पॉलीनोमियल फॉर विच नंबर? स्क्वायर नंबर. सो इस सभी के लिए हमने अभी देख लिया. अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? सो इस बेसिस पे हमारा पॉलीनोमियल्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? पॉलीनोमियल्स का डेफिनेशन हो जाएगा द स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स put together forms a polynomial. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जहाँ पे हमें numbers and variables साथ में दिखेंगे वो हमारे होंगे polynomials. एग्जाम्पल में हम ऑलरेडी जो एज्यूम करके चल रहे हैं कि 4x³ - 3x² + 2x - 4. सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 4x³ के लिए देख लिया. 4x³ के लिए जब हमने देखा कि 4x³ में जो हमारा 4 हो गया था नंबर से कन्वर्ट होके कंपोनेंट बन गया था. x जो हमारा हो गया था वो हो गया था वेरिएबल एंड जो पावर 3 था दैट विल बी आवर एक्सपोनेंट. वो हमारा क्या हो गया था? एक्सपोनेंट. सिमिलरली जब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल -3x², यहाँ पे माइनस के साथ आएगा. माइनस मीन्स साइन लेना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल देखा था माई नेम इज़ राजेश, तो मैं वहाँ पे माई के बाद पॉज को मैं नहीं छोड़ता हूँ. पॉज को हम वहाँ पे लेते हैं माई नेम इज़ राजेश, हम वहाँ पे पॉज कंसिडर कर रहे हैं, है ना. सो सिमिलरली हमने पॉज को मीन्स स्पेस को हमने कन्वर्ट किया था किसमें? साइंस के फॉर्म में. सो जब उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है तो वहाँ पे हम उसको कंसिडर तो करेंगे. सो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो जाएगा दैट 3 - 3x² क्या हो जाएगा? -3x² सेम दैट 3 विल बी कंपोनेंट. x विल बी वेरिएबल्स एंड पावर 2 विल बी एक्सपोनेंट. पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपोनेंट. अब जब यहाँ पे हमारा 2 अब जो ठीक है सिमिलरली आप 2x² में भी यदि आप देखेंगे सो 2x² विथ पॉजिटिव सेम होगा. ठीक है 2x² तो ये हो गया आपका कितना? ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट. ये हो गया आपका कंपोनेंट. x हो गया आपका वेरिएबल्स एंड हियर वी हैव 2 to the power 1. ओके इट्स नॉट 2 to the power 2. सो हियर इज यदि कुछ नहीं लिखा है तो इट इज़ नथिंग बट 2 to x to the power 1. सो वो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट. ठीक है वो क्या बन जाएगा हमारा? एक्सपोनेंट. ठीक है ये तीन वैल्यू के लिए तो हमें समझ में आ गया. बट वॉट अबाउट दिस 4? 4 में तो हमारे पास कोई एक्स का टर्म ही नहीं है. अब वो पॉलीनोमियल कैसे होगा जब मेरा 4 का कोई टर्म ही नहीं है वहाँ पे? सो हाउ इट कुड बी अन पॉलीनोमियल? क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है? द स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स पुट टुगेदर. दिस इज द मेन वर्ड, पुट टुगेदर. जब दोनों साथ में आएंगे देन ओनली वी कैन से दैट दिस नंबर इज कॉल्ड पॉलीनोमियल. बट हियर वी डोंट हैव द वेरिएबल्स फॉर्म. सो हाउ कुड वी से दैट द 4 विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल? लेट्स ट्राई. मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा 4 है
ठीक है। अब 4 को मैं क्या लिखूं कि मेरा वो पॉलिनोमियल्स बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन के साथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4 को मैं क्या लिखूं कि वो पॉलिनोमियल्स बने। ओके, लेट्स थिंक अबाउट दैट। ओके, वन थिंग्स वी कैन राइट, इफ आई राइट 4 × x⁻⁰, देन वॉट डज इट मीन, इट विल नथिंग बट 4। सो आई गॉट वेरिएबल्स ऑल्सो एंड आई गॉट एक्सपोनेंट ऑल्सो। सो जब हम मुझे ये सारा चीज मिल गया, सो हमें क्या हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। यदि ये सारा चीज मिल गया देन इट दैट्स 4, इट इज नथिंग बट -4। ओके, सो -1 विल ऑल्सो कम। सो -4 विल बी द योर पॉलिनोमियल्स, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट यदि किसी का भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। सो जब उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 विच विल बी इक्वल्स टू 4। सो वॉट इज पॉलिनोमियल, आई थिंक यू ऑल गॉट अंडरस्टूड। अब आज हम अपना आज का मॉड्यूल यहाँ पे एंड करते हैं, और जो हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि सेम पॉलिनोमियल पे ही हम कुछ इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन क्या होते हैं, किस फॉर्म में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर रिस्पॉन्स। आप यदि ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लास्ट में एक थम्स अप करके आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि दिस वीडियो नंबर इज सीन फॉर दिस चैप्टर नंबर 2, दिस लेक्चर नंबर 2 इज सीन, ऐसा करके आप एक थम्स अप वहां पे दे सकते हैं, सो दैट मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं। बट यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे क्या लगेगा कि आपके एंड से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए। तब दोनों साइड से यदि बना रहेगा, बॉन्डिंग बनी रहेगी, देन पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। सो प्लीज़ आप थम्स अप करना ना भूलें। सो विल मीट इन नेक्स्ट मॉड्यूल, तब तक के लिए थैंक यू।